अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट निशा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिट चैट विद निशा खान। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरे हर शो में एक डिफरेंट पर्सनालिटी मौजूद होती है। आज जो पर्सनालिटी मौजूद है उनका इंट्रो मैं इस तरह करवाती हूँ, शी इज़ ब्यूटीफुल मॉडल और इंडस्ट्री में अभी काम स्टार्ट किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन एक मॉडल बनना, एक एक्ट्रेस बनना कितना मुश्किल होता है और कितना स्ट्रगल करना होता है और एक प्लेटफॉर्म तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है एक आर्टिस्ट के लिए, एक मॉडल के लिए, और किन किन लोगों को फेसेस करना होता है, ये सारी चीजें मैं उनसे आज जानूंगी और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी जानूंगी। तो जी नाजीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सबा नूर। हाय सबा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप बताएं? मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, और आपने आई थिंक उन्हीं डिजाइनर का वेयर किया हुआ है जो लास्ट टाइम मेरे शो पे मौजूद थे। एग्जैक्टली, सिल्क एशिया का ब्रांड इन्होंने वेयर किया हुआ है और बहुत क्यूट लग रही है। तो थैंक यू। तुम बेसिकली एक मॉडल भी हो, एक एक्ट्रेस भी हो, और कितना टाइम हुआ फिल्म में आए हुए? मुझे ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ज्यादा टाइम स्टार्टेड है, हाँ। जी, क्योंकि मेरी स्टडी भी थी तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा, उसको वाइंड अप कर दिया शोबिज के लिए? नहीं नहीं, स्टडी को नहीं छोड़ा, शोबिज को थोड़ा सा वाइंड अप किया था। अच्छा, क्योंकि दोनों को टाइम देना मुश्किल होता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जी, तो इसीलिए तुमने उसको साइड कर दिया, फिर दोबारा भी बैक कर लिया? जी बिल्कुल। ओके, यू आर बेस्ड इन कराची, नॉट यू आर लिविंग मुल्तान? या, आई एम फ्रॉम मुल्तान। ओके, तो जब इंडस्ट्री में कदम रखा, शौक था या किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई हो? मुझे शौक था शुरू से। क्या, एक्ट्रेस बनने का? जी, क्योंकि मैंने जब मैं मतलब 8-9 क्लास में थी तो मैंने एक प्ले भी किया था अपने स्कूल में। अच्छा, एक चाइल्ड आउट जो स्कूल्स में फंक्शन होते हैं उसमें परफॉर्म किया था तुमने? जी। ओके, तो उसके बाद से शौक उठा? तब से शौक था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं। तो कैसे फील्ड में आना हुआ, किसके थ्रू आई, कोई बैकग्राउंड से फील्ड में ऑलरेडी मौजूद था? नहीं, कोई भी नहीं है बैकग्राउंड से। तो और मुझे क्योंकि शुरू में मुझे इतना आइडिया भी नहीं था इस बारे में कि मैं करूँगी या कैसे करूँगी, तो मेरा जो भाई है वो मुझसे छोटा है, उसने शूट किया था, तो तब मुझे आइडिया हुआ कि ऐसे भी होता है, ये हम भी कर सकते हैं। पहले अच्छा। टीवी पे देखते थे कि हाँ ये एक्ट्रेस आती हैं या एक्ट करती हैं, तो ये सब, लेकिन बाद में मुझे आइडिया हुआ और फिर मैंने इससे कंटिन्यू किया। भाई ने एक फोटोग्राफर से कांटेक्ट करवाया, उन्होंने अच्छा फोटोशूट करवाया, और वो शूट मेरी मम्मा इतनी कॉन्शियस थी इस चीज़ को लेके कि मतलब मैं अभी बाहर ना जाऊँ या इस तरह से, उन्होंने घर पर ही सबको बुलाया था, पूरी टीम को, और मेरा शूट करवाया था स्टार्ट में। तब मैं सेकेंड ईयर में थी। अच्छा, स्टडी तुम्हारी मतलब कंटिन्यू थी, साथ चल रही थी? तो घर वाले स्ट्रिक्टली थे थोड़ा शुरू? नहीं नहीं, मेरे घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया है और अभी भी काफी सपोर्ट करते हैं बहुत इस चीज को, ऐसा नहीं है कि उनको कोई एतराज है इस चीज से। अच्छा, तुमने स्टार्टिंग किस चीज से लिया था, मॉडलिंग से या एक्टिंग से? हाँ, मैंने ये स्टार्ट तो पहले एक आपको बताया स्कूल में जिस तरह से शौक हुआ, उसके बाद स्टिल शूट्स हुए, पोर्टफोलियो वगैरह, देन फिर ब्रांड शूट्स लाहौर में चली गई, लाहौर में काम किया। अच्छा, ट्रैवल भी किया? ट्रैवल किया, काफी सिटीज में किए शूट्स वगैरह। अच्छा, सिर्फ लाहौर में नहीं। ओके, फोटो तुमने मॉडलिंग से स्टार्ट लिया, देन एक्टिंग की तरफ इन्वॉल्व हुई? जी। तो मॉडलिंग में जब कदम रखा, यू नो दैट फील्ड को काफी लोग गलत भी समझते हैं, ऑब्वियसली कुछ लोग गलत भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कॉमन फैक्टर है, हर फील्ड में मौजूद है सारी चीजें। तो जब मॉडलिंग में आई तो कैसे लोग मिले, अजीब तरीके के लोग मिल रहे होंगे, यू आर कन्फ्यूज दैट कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे लोग मुझे मिल रहे हैं? क्योंकि शुरू में जब मैं बाहर निकली थी लाहौर के लिए भी जैसे भी, तो अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं, आपको पता है जिस तरह आज के हालात है, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, कहीं पे भी कोई सेफ नहीं है, ना लड़का ना लड़की। एग्जैक्टली, ठीक है। तो बात सिर्फ ये है कि अगर आप खुद ठीक हो और अपने तरीके से आपका जो आपको पता है कि आपने क्या करना है, अपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद? तो मैंने जब शूट स्टार्ट किया, शुरू में आपको पता है कि न्यू जब इंसान आता है तो थोड़ा सा उसको झिझक होती है कि झिझक के साथ साथ और बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज लोगों का पता नहीं होता, लोगों का पता नहीं होता कि किससे कैसे बात करनी है, कैसे किसी शूट्स कैसे करने हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा माइंड बर्दाश्त भी करना पड़ता है शुरू में, लोगों की बातें, लोगों के
कॉन्सेप्ट्स उसके बाद देन, लेकिन मेरे माइंड में ये था कि हाँ मुझे काम करना है और आगे जाना है, मुझे लोगों को फेसेस करना, फेस करना है। जब तक आप किसी को फेस नहीं करते हो आप आगे नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, ठीक है, आपको अपना पता होना चाहिए कि आपकी क्या लिमिट्स हैं, आपको किस तरह चलना है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। जब जो आपका एम होता है वो आप अपने माइंड में और अपने दिल में रखे। ओके, स्टील शूट्स तुमने कितने टाइम तक किया फिर? स्टील शूट्स तो मैं अभी तक कर रही हूँ, जबकि मैं अब कराची आई हूँ, मुझे यहाँ पे भी कुछ टाइम हुआ है। पिछले साल जब मैं आई थी तो फिर मैं वापस चली गई थी, मेरे एग्जाम थे। ओके जी, तो अब मेरे एग्जाम स्टडी मैंने क्लोज कर दी, अब इस पे फोकस कर लिया। अब मैं प्रॉपर अपनी एक्ट पे, जो भी मुझे काम आते हैं मैं उस पे फोकस कर रही हूँ। अच्छा, तो एक्टिंग की तरफ कैसे इन्वॉल्व हुई, किस तरह आई? एक्टिंग के लिए मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा जी, तो फिर एक एक्ट था ड्रामा में ही चैनल पर, तो वो उससे स्टार्ट लिया ऐसा ऐसा। फिर आपको पता है जिस तरह आपके कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, लिंक्स बनते हैं, और आप काम करते हैं, तो ऐसा ऐसा से आप ग्रो करते जाते हैं। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। ओके, तो उसके बाद फिर तुमने एक्टिंग स्टार्ट लिया, एक्टिंग तुमने ड्रामास की, कितने ड्रामास किए तुमने टोटल? मैंने अभी जो स्टार्ट में ही मतलब जितना मुझे टाइम हुआ है, चार पांच इस तरह से चार पांच प्रोजेक्ट्स किए हैं। ओके, अभी आगे तो जैसे कैसा एक्सपीरियंस रहा ड्रामे फील्ड में, मॉडलिंग फील्ड का तो तुमने बता दिया। जी, मॉडलिंग फील्ड की निस्बत मेरा जो है एक्टिंग में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये मैं खुद चाहती थी। अच्छा, वो तो स्टार्ट था कि जिस तरह से, लेकिन जो मैं चाहती थी कि मैं करूं, तो वो एक्टिंग ही थी जो मेरी चॉइस थी। तो कैसा कैसे फेसेस किया लोगों को एक्टिंग फील्ड में? फिर अजीब तरीके के लोग मिलते होंगे, 10 चीजें तुम्हारे अंदर है, इश्यूज क्रिएट करते होंगे, मुंह बड़ा है, दांत खराब है, बाल अच्छे नहीं है, मोटी हो, तो ये सारी चीजें कैसे बर्दाश्त की लोगों की? वो तो आप पे खुद पे डिपेंड करता है ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसा है, आप खुद को कैसा देखते हो। फर्स्ट तो ये है ना कि आप खुद को कैसा देखते हो, अगला बंदा आपको जैसे भी देखे वो उसका है। आपने खुद को कैसा देखा है, आपने खुद को किस तरह ग्रूम करना है, कैसे लेके चलना है, वो आप पर डिपेंड करता है। ओके, लोगों ने किया तो होगा, लोग तो करते हैं। आप कितने भी अच्छे लग रहे हो फिर भी लोग आप पे, बस तुमने किसी की बात नहीं सुनी, अपने दिमाग से चला, अपना करना, अपना अपनी सोच से जो इंसान करता है ना वो ज्यादा बेहतर है, मच बेटर देन के किसी और की बात पे आप बिलीव करके। जब आप किसी और के सोच के मुताबिक चलते हो तब आप नहीं चल सकते, जब तक आप अपनी सोच के मुताबिक नहीं चलते। ओके, गुड। तो तुमने जब किन किन डायरेक्टर्स के साथ काम किया ड्रामास में? मैंने जियो के साथ किया है, हम के साथ किया है। अच्छा, अच्छे चैनल से जी, एआरवाई के साथ किया है जी। ओके, तो कुछ डिफरेंट लगा मॉडलिंग से एक्टिंग में? बिल्कुल डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है, ये तो आप भी जानती हैं, क्योंकि स्टिल्स में और एक्टिंग में काफी फर्क है। तो तुमने तो एक्टिंग सीखी नहीं थी? नहीं, मैंने नहीं सीखी। तुमने स्ट्रगल नहीं किया ना? एक्टिंग एक क्लास लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। दरअसल मैंने थोड़ा सा किया था एक्ट, क्योंकि सीखने के लिए कोशिश की थी कि मैं मजीद सीखूं कि क्या होता है। अजोका है लाहौर में, अजोका थिएटर, आपने भी नाम सुना होगा। तो उससे मैंने, जब कोरोना था उस दौरान मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, लेकिन मैं, क्योंकि मैं कर रही थी काम उस वक्त, मैं उस वक्त काम कर रही थी क्योंकि कोरोना था, उसकी वजह से मैं उस वक्त कराची से वापस गई थी और मैंने स्टार्ट किया था उनकी क्लासेस लेना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं जानती थी, क्योंकि वो मैं प्रैक्टिकली नहीं कर रही थी, जस्ट एक आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हो तो प्रैक्टिकली में और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत फर्क होता है, और वो जो चीजें उसमें थी, उन क्लासेस में थी, तो वो आई थिंक मेरी समझ से बाहर थी, जो मैं पहले से जानती थी उन चीजों को। ओके ओके, तो एक्टिंग तुमने फिर आगे मजीद उसको ग्रूम किया, चीजें तुमने सीखी? जी बिल्कुल, आपको पता है सीखने का जो ये एक अमल है ये तो चलता ही रहता है। एग्जैक्टली, स्ट्रगल और ये सारी सब चीजें, जब तक आप बहुत बड़े स्टार भी बन जाओगे ना तब भी आपको सीखनी है, हर प्लेटफॉर्म पे आपको सीखना ही सीखना है। टोटली आप परफेक्ट तो बन ही नहीं सकते, और एज एन आर्टिस्ट तो आप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल, क्योंकि न्यू चैलेंजेस, न्यू कैरेक्टर्स, हर लिहाज से आपको फेस करना, लोगों को हर ड्रामा में, हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट लोग, डिफरेंट आपके साथ को एक्टर, तो ये चीजें होती हैं। ओके, तो जो सीनियर एक्टर्स हैं उनके साथ कितना डिफिकल्ट हुआ काम करना? सीनियर एक्टर्स के साथ इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ,
बट वो तो क्योंकि ऑब्वियसली हाँ अपने जूनियर्स को अहमियत नहीं देते, रिस्पॉन्ड हाँ नहीं ऐसा करते है, लेकिन आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला। बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा हाँ किसी के बैड साथ? एक्सपीरियंस कोई भी नहीं रहा, सब जिनके साथ भी मैंने काम किया सब बहुत अच्छे से रहे हैं, और अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा है उनके साथ काम करके। और जितना कोई आप सीनियर के साथ काम, जितना ज़्यादा काम करते हो आपको उतना ही सीखने सीखने का को मिलता मौका है। मिलता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो एक्टिंग जब स्टार्ट की तो क्या लगा, क्या फील आ रहा था कि यार कर लूंगी? डर तो नहीं लगा कि यार, डर थोड़ी सी कंफ्यूज तो हाँ होगी? कंफ्यूजन तो होती ही, आप कुछ भी हाँ। न्यू काम करने जाओ या स्टार्ट हो आपका तो आप कंफ्यूज तो होते हो कि मतलब मैं कैसे करूँगी या कैसे है? लेकिन जब आपको बिलीव होता है कि आप कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात यह कि वो प्रोफेशन जिसको आप चाहते हो कि मैं करूँ और वो आपकी जॉब भी बन जाए और आपका आपका हॉबी भी हो और आपको शौक हो कि आपने करना है, तो फिर वो डिफिकल्ट नहीं होता। ओके। लैंग्वेजेस में इश्यूज हुए? थोड़ा सा एक्सेंट में आता था एक्सेंट में तो क्योंकि इश्यूज मैं होते होंगे हाँ क्योंकि साफ इतना नहीं नहीं बोल आता, रहे, इतना उर्दू नहीं। क्लियर नहीं हाँ है। हाँ लेकिन यह कि मैं वैसे पंजाबी हूँ तो कुछ शुरू में हुआ तो उसको मैंने थोड़ा कवर किया कि इसको लेके चलना, क्योंकि आपको पता है कि ये कि उर्दू कंटिन्यू आगे मुझे हाँ इश्यूज क्रिएट होंगे। ओके। नहीं तो इश्यूज जब तुम्हारे अंदर तो निकाले होंगे डायरेक्टर्स ने, ऑब्वियसली इश्यूज तो जाहिर शुरू बात शुरू है, में शुरू में तो तो होते होता ही। ही है ये चीज़ें, और आगे भी होंगी ये चीज़ें, तो ख़त्म ही नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई हाँ जितना भी परफेक्ट हो उसको कभी भी कोई ये नहीं कहता है कि आप परफेक्ट हैं। ओके। तुम्हारी फेवरेट कोई हीरोइन पाकिस्तानी जिसको फोकस कर रही हो, उसकी तरह बनना है, यही आइडियल है? आइडियल का तो मुझे इतना नहीं है, लेकिन मुझे मायरा और सबा कमर पसंद है। उनको, उनकी एक्टिंग और उनको जी पसंद करती हो? ओके। जी हॉबीज क्या है तुम्हारी बेसिकली? मेरी हॉबी पेंटिंग। अच्छा, जी मैं ओके। पेंटिंग, वो भी मैंने सीखा नहीं है, मतलब मैं करती हूँ खुद अपने से शौक करते से, और करते? राइटिंग। अच्छा। जी और ट्रैवलिंग का शौक है? ट्रैवल ट्रैवलिंग का शौक है, और लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि ज़्यादा ट्रैवल कर सकें, तो अभी तुम स्टार्ट तो है। जब मुल्तान में रहती हो तो ट्रैवलिंग तो तुम्हारी लगी रहती होगी, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी मुल्तान। हाँ लेकिन अब मैंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि मैं इधर ही रहकर कराची में ही काम करूं। तो तुम अभी सेटल हो गई हो कराची में जी काम के लिए? जी तो तुम्हें क्या इश्यूज होते थे जब मुल्तान से काम कर रही थी तो कराची में आना जाने में, मुझे इतना इशू काम नहीं पे क्या आने इफेक्ट पड़ रहा था? हाँ ये होता है कि आपके कॉन्टेक्ट्स में और आपकी जो आपने जो अपनी पीआर बनाई होती है उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है ना, क्योंकि जब आप एक किसी के साथ अटैच रहते हो, एक क्योंकि मीडिया है, आप जितना इनमें इन्वॉल्व रहोगे, एक टीम वर्क के साथ आप काम करोगे, जितना दिखोगे। जितना दिखोगे आप उतना ही काम मिलता है, आप उतना ही आगे जाते हो, ठीक है, जितने आपके दोस्त होंगे जितने आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा हो जाता था, क्योंकि जब मैं वापस अपने एग्ज़ाम्स के लिए गई थी तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा आया था कि जैसे आप चली गई तो दोबारा से शुरू करना पड़ता अच्छा, है, ये इश्यूज तो मैं ये क्रिएट होता है। हुए। क्योंकि अभी मैं मेरा स्टार्ट, जैसे आप किसी का भी स्टार्ट हो, चाहे मैं हूँ कोई भी है, तो उस पर फिर ये इश्यूज़ तो आते ही हैं कि आपको दोबारा से उस चीज़ को देखना पड़ता है, दोबारा से उस चीज़ को डिवेलप करना पड़ता है कि भाई मैं भी अभी इस फील्ड में हूँ। ओके। डाइट कॉन्शियस हो, डाइट का ख्याल रखती हो कॉन्शियस हूँ मीडिया लेकिन के हवाले से या मीडिया के फिर हवाले से वैसे ट्राई करती हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा है मुझे फूड का। फूडी हो, हाँ खाने वाने में ज्यादा? लेकिन लेकिन मैं मैं इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन है थोड़ा सा मुझे देसी फूड्स वगैरह, और आजकल का जो माहौल है पिज़्ज़ा और ये सब कुछ, तो ये बट चीज़ें आप पंजाबी तो बड़े कोई देसी खाने खा रहे होते हैं ना तुम लोगों जी के, जी कोई पराठे बड़े घी वाले और कोई लस्सी देसी घी और ऐसे टाइप। खाने तुम लोगों के जी चल रहे होते हैं, तो हाउ इज मैनेज नाउ डाइट प्लान? मैनेज तो मैंने काफ़ी किया था, क्योंकि अब जो मैं रमज़ान में अपने घर वापस गई थी तो मुझे अभी कुछ टाइम ही हुआ है कराची में दोबारा, तो तब मैं जब यहाँ से घर गई थी ना, यहाँ पर तो मैंने प्रॉपर अपनी डाइट की, क्योंकि काम कर जब इंसान उस चीज़ में होता है ना इन्वॉल्व, तो उनको पता होता है, जैसे अब पढ़ रहे हो आपको पता है कि मैंने पढ़ना है, ठीक है। अब मैं मीडिया में जब मैं काम कर रही थी मुझे पता है कि मुझे अपना ख्याल रखना है, डाइट का ख्याल रखना है, खाने पीने का इतना नहीं था, पता था कि डाइट, जैसे मैं घर गई तो मुझे ये था कि ये अब मम्मा ने तैयारी की हुई थी, हाँ मैंने अपनी बेटी को ये खिलाना है वो खिलाना है, तो ये चीज़ें थी, तो अच्छा, उसकी वजह से भी थोड़ा होता कि खाने पीने का, तो डाइट कॉन्शियस अब हो मेरे गई से हो? ज़्यादा मेरी मम्मा है मुझे कहती हैं अच्छा, कि तुम अपना ख्याल रखा करो, आगे ऑब्वियसली काम करना आपको है। डाइट का भी जरूरी है ना, आप काम कैसे करेंगे जब जी अपनी डाइट का ख्याल ही नहीं रखेंगे? ऐसा ही है, ओके। तो आप कम खाती हो फील्ड की वजह से? फील्ड जितनी की भी वजह मॉडल से एक्ट्रेस हैं वो जी कम ही खाती हैं पता है कि काम की वजह से। मसला ये है कि मैं खाती कम हूँ, मेरा बॉडी जो है ऐसा है कि मतलब मैं
कम भी खाओ ना फिर भी लगता है, मैं पानी भी पीऊँ ना वो भी लगता है। ओ सेम ईयर मेरा भी यही है यार बेसिकली। यकीन जानो मैंने जब आई वॉज ज्वाइंड बिफोर 3 ईयर्स, मैं एक लेती छोटा सा ब्रेक, तो जी नाजिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजिन, और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिटचैट विद निशा खान, और हमारे साथ मौजूद हैं एक्ट्रेस मॉडल सबा नूर। सबा से और भी अभी बहुत बातें रहती हैं, अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे थे सबा से, डाइट के ऊपर बात चल रही थी हमारी, तो मैं इनको यही बता रही थी कि मैं जब मैंने ज्वाइन किया था आई वॉज बिफोर 3 ईयर्स आई विल ज्वाइन दैट, तो मैं उस वक्त मैंने वेट कम किया था अपना, कोई मैं उस वक्त 60 किलो मेरा वजन था। तो जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो मुझे तो डायरेक्टली नो दैट कि बहुत मोटी है, बहुत बड़ा फेज है और नहीं कर सकती काम, चल ही नहीं सकती टोटली। तो तब मैंने अपना डाइट कम किया था, और डाइट वेट कम किया था डाइट से और योगा से और जिम से 10 kg। फिर मैं आई थी 50 पे, जब फिर मैंने 50 पे मारे ड्रामे, कोई 25-30 ड्रामे मैंने मारे, फिर उसके बाद मैंने मॉडलिंग स्टील शूट्स दबा के किए, फिर उसके बाद मैं कोविड आ गया, उससे मैंने डाइट छोड़ दी, चीज़ें छोड़ दी, मैं डाइट अनडाइट कॉन्शियस हो गई हूँ बिल्कुल राइट नाउ। अभी भी हेल्दी हूँ बट अब दोबारा अगेन वेट लूज कर रही हूँ। तो मुझे काम की वजह से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताने का ये है कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा वेट के ऊपर अपने, ऐसा ही है क्योंकि आप जैसे बता रही हैं कि मैंने भी अब स्टार्ट कर दी है, डाइट करती हूँ, कम खाती हूँ, क्योंकि एक एक्टर मॉडल कभी भी हेल्दी आपको नजर नहीं आएगी, यू नो दैट, वो काम हमें काम नहीं मिलता भाई, ये तो क्लियर बात है, यू नो बिल्कुल फॉरन रिजेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरा ये है कि मतलब मैं खाती कम ही हूँ, ठीक है, ये नहीं कि मतलब 2 रोटियां खा ली या डेढ़ खा ली, एक या एक से भी कम, लेकिन वही है ना कि यार आपने जैसे बताया मैं पानी भी पीती हूँ, कुछ की मेरे साथ कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है कि आपको फौरन पकड़ लेती है बॉडी, और कुछ की ऐसी होती है चिमटी बॉडी होती है जिनको खाना जितना मर्जी खा ले नहीं लगता, नहीं लगता, मैं कहती हूँ खुशनसीब लोग, जितनी भी चावलें खा ले जितना भी खाना खा ले उनको लगना ही नहीं है। और पाकिस्तान की तो ऐसे हवा में मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं, पंजाब में भी चाहे यहाँ पर कराची में लो राइस बिरयानी यार, आपने पंजाबी हो गए हमारे, हम मैं पठान हूँ बेसिकली, तो हम लोगों में टोटली देसी खाने चल रहे होते हैं, बिल्कुल चावल लाजमी हमें चाहिए, रोटी भी चल रहा होता है साथ साथ, अब कास्ट के ऊपर भी होता है ना, पंजाबी भी बड़े देसी खाने खा रहे होते हैं, तो वो मुश्किल होता है डाइट करना थोड़ा सा, आई नो दैट, बट हम लोगों का काम है, करना पड़ता है एनीवे। तो इसके अलावा और क्या करती हो जिंदगी में जब फ्री होती हो, ट्रैवलिंग करती हो, ट्रैवलिंग का तो चलो बता दिए कम करती हूँ, और क्या रूटीन रहती है फिर? जब मैं मतलब एक्टिंग वगैरह का कोई काम नहीं कर रही होती, मीडिया से रिलेटेड नहीं कर रही होती हूँ, तो या तो मैं फिर लिखती हूँ या मेरा है कि मैं पेंटिंग करती हूँ। अच्छा, फ्री टाइम में पेंटिंग और राइटर और लिखती हो, ओके, शुरू से शौक था बचपन से पेंटिंग करने का? पेंटिंग का ये था कि शुरू में भी यही चीजें थी, शुरू में मतलब ये चीजें एक्टिव थी मैं इस चीज को। अच्छा, एक्टिंग का फिर अचानक वो जब एक्टिंग किया स्कूल में तो दिमाग में आ गया बस एक्टर बनना है? पहले भी था कि माइंड में होता है ना शुरू से, आपको पता है जब आप एक आर्टिस्ट का शुरू में एक चीज होती है आपके अंदर, ठीक है, नेचुरल होती है, जैसे तो आप जब आपको कोई सिखाता नहीं है आप खुद सीखते हो तो वो नेचुरल आपके अंदर ये चीज आ जाती है कि शायद गॉड गिफ्टेड हो। ऐसा भी हो सकता है, ओके, कोई ड्रीम जिस यार मुझे ये बनना है, इस एक्टर की तरह बनना है, इंडियन या पाकिस्तान नहीं, कोई ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, इंसान की अपनी पहचान होनी चाहिए बस, एक अच्छा एक अच्छा कोई भी आइडियल नहीं है हॉलीवुड बॉलीवुड किसी से भी नहीं, बस अपनी पहचान बनानी, अपनी पहचान जो होती है वही होती है मेरे ख्याल में, अपना नाम बनाना है जी। ओके, इसके अलावा ड्रेसिंग सेंस में किस हद तक करती हो ड्रेसिंग, बोल्ड नॉर्मल? मुझे नॉर्मल ड्रेसेस पसंद है, घर से कोई स्ट्रिक्ट लाइंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मुझे वैसे ही फ्रॉक्स और जैसे मैंने अभी पहना है मुझे इस तरह के ड्रेसेस, लेकिन जब मॉडलिंग में आई होगी तो वो एक आपके काम का पार्ट है, जब आप करते हो तो फिर आपको करना पड़ता है, लेकिन चॉइस आपकी होती है, जैसे मैंने आपको बताया आपकी चॉइस है, आपने जैसा करना है, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। ओके, अगर आइटम सॉन्ग की ऑफर मिले करोगी? अगर कोई अच्छा हो तो करूंगी, अभी यू विल तुम करने के लिए अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट हो, टीम अच्छी हो, पता हो कि किसका है, कौन प्रोडक्शन में है, चैनल या फिल्म
किसकी है, तो फिर तो मतलब डिपेंड कर करता है, सकती हो, डिपेंड करता है ना कोई स्ट्रिक्ट वो जी। नहीं, और अगर मेरा वेट गाइडलाइन? मजीद कम हो जाए तो अच्छा, ओके ओके। फिल्म ऑफर हो तो फिल्म करोगी? हाँ अभी मेरी बात भी चल रही है तो इंशाल्लाह तो जरूर, मतलब अभी फिलहाल इन फ्यूचर तुमने इसी पे काम करना है, बिल्कुल माइंडसेट इसी पे कर इंशाल्लाह। लिया हाँ इसी कि पे, इन हाँ फ्यूचर इसी पे काम करना है। ओके। अच्छा सबा, अगर बॉलीवुड से ऑफर मिले तो फिल्म की करोगी? जरूर करूंगी क्योंकि मुझे अच्छी करना अच्छी अच्छा फिल्म लगता मिलेगी है। ना? हाँ बिल्कुल एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। है अच्छा है, अगर आपको अच्छा, क्योंकि आजकल जैसे हालात चल रहे हैं उस हिसाब से, तो फिर जब हालात पे भी डिपेंड करता है क्या टाइमिंग है उस पे डिपेंड करता है, और आगे प्रोजेक्ट कैसा आता है उस पे भी डिपेंड करता है। ओके। और अगर बॉलीवुड से आइटम सॉन्ग की ऑफर मिले तो? उसका अभी नहीं सोचा कुछ भी कोई उसका अभी हॉलीवुड में शौक है काम करने का? नहीं, उसका अभी नहीं हॉलीवुड का बिल्कुल कोई नहीं, शौक नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी पाकिस्तान इंडस्ट्री, में मुझे पाकिस्तान में जी काम करूं, जी पाकिस्तान में पाकिस्तान अपना में, नाम बनाऊं। ओके। तामिल मूवी में अगर मिले ऑफर, बट तामिल में कर नहीं सकती, तामिल क्योंकि में उनकी तो लैंग्वेज ही और होती लैंग्वेज है अलग होती और है। हर चीज़ डिफरेंट होती वैसे है। कौन सी मूवी पसंद है ज्यादा, इंडियंस पसंद करती हो, पाकिस्तानी पसंद करती हो, हॉलीवुड की पसंद करती हो? डिपेंड करता है मूड पे भी कि, और मूवी कैसी है, कोई न्यू मूवी। अभी हमारी सैड? पाकिस्तानी मूवी थी पंजाब नहीं जाऊंगी, मुझे वो काफ़ी पसंद है, अच्छा वो देखी तुमने? देखी है मैंने, और भी काफ़ी हैं। क्योंकि अब जब तक हम अपने चीज़ को, अपने मुल्क को, अपने जो हमारा मीडिया, हमें उसे प्रमोट करना है ना सबसे पहले। एग्जैक्टली, गुड आइडिया। अच्छा पाकिस्तान से बाहर कभी गई हो किसी नहीं काम के लिए? अभी तक तो नहीं गई, शौक नहीं। है कि जाऊं? हाँ इंशाल्लाह आगे जैसे काम करते ही रहूँगी तो काफ़ी होगा इस लिहाज से भी। आप तो पता ही आपको इस चीज़ का, कि आप जब हाँ। काम करते तो आपको फिर दूसरी कंट्रीज से भी, दूसरी सिटीज़ से भी, हर जगह से ऑफर्स आती हैं, और मुझे हैं भी, लेकिन मैंने अभी इस बारे में सोचा तुमने नहीं है। एक्सेप्ट नहीं किया? हाँ अभी तक वजह? मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं अभी यहीं पर काम करने जा रही हूँ। फिलहाल पाकिस्तान हाँ में काम करना है। हाँ ओके। तो अभी तुमने किन किन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, कौन सा प्रोजेक्ट तुम्हें अच्छा लगा, उनके कौन से डायरेक्टर के साथ काम करके अच्छा लगा? मैंने अली अकबर के साथ काम स्टार्ट किया था उनके प्रोजेक्ट में, मैं अगर चुप हूँ मैं अच्छा जी। उसके बाद फिर मैंने उन्हीं का प्रोजेक्ट किया था बन्नो, अच्छा फिर एहसन ताबिश का किया था, और अच्छा एक मैंने मूवी की थी हारून खादवानी के साथ, उनकी टेली फिल्म थी, उनकी फ्रेंड का था। अच्छा हाँ तो अब तो उनकी रूपोश आई थी उसमें, उससे पहले उनकी एक मूवी थी मुझे माइंड में नहीं है क्या नाम था। ओके। तो ये काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, आगे भी काफ़ी डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम किया है, अभी आगे भी कंटिन्यू भी होगा, करोगी? कर रही हूँ, बात भी चल रही है, कुछ डेट्स हैं आगे जो करना है काम, ओके। कौन और इंशाल्लाह सा करेक्टर करना चाहती हो कि मैं ये करूं और इजली मैं कर सकती हूँ? दरअसल बात यह कि मुझे चैलेंजिंग करेक्टर्स बहुत पसंद है, मैं मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ कोई भी करेक्टर हो, क्योंकि आप एक्टर वही, आर्टिस्ट वही है जो सब जो कर सके, सारे कर ले। ठीक है। इस तरह नहीं कि एग्जैक्टली। नहीं मुझे ये करना है मुझे वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे अच्छा करेक्टर, हाँ मुझे नजर आएगा कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं वो जरूर करूँगी। ओके। वैसे कैसा पसंद करती हूँ, इमोशनल, सैड, फनी? फनी मिले तो करोगी, पागल फनी कोई करेक्टर मिल गया? हाँ तो वो भी एक चैलेंज ही होगा ना, पागल पागल भी बन वैसे पसंद जाएंगे क्या करती हो ज्यादा, इमोशनल करेक्टर जिस तरह पसंद करती आजकल हो या हमारे किसी मीडिया में चल रहा है दादा, तो यही चल रहा है, रोने धोने वाले रोना धोना ही सीन्स, चल रहा है, सब रो धो के ही काम खत्म हो जाता है, इमोशनल वाले इमोशनल हो कैरेक्टर जाते ज्यादा हैं, हो? वैसे तुम इमोशनल्स पे चल क्या रहे हैं। सूट करता है ज्यादा, कभी टिकटॉक वगैरह तो बनाती होगी ना? टिकटॉक तो अब ऐसी ऐप है कि उसमें आप इजिली अपने आप को देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल, कितना बड़ा एक्टर हूँ या एक्टर हूँ। मेरे ख्याल से कि मुझ पे फनी भी सूट करता है और सैड भी सूट करता है, क्योंकि अच्छा, एक बात तो वही है ना, करेक्टर में जब आप होते हो, जब आप काम कर रहे हो, तो तो आपको उस पता होता है कैरेक्टर में आपको ढलना ढलना पड़ता है। पड़ता है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो जी। जब टिकटॉक बनाती हो तो किसी को दिखाती हो तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि तुम तो एक एक्टर बन सकती हो इन फ्यूचर? अच्छी। जी बिल्कुल, पता है मेरे ख्याल में आप टिकटॉक एक ऐप है, ठीक है, मेरे बट ख्याल में टिकटॉक पे, ऐप पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कर ना? सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आप जैसे हैं, ठीक है, आप हाँ आपकी जगह पे अगर एक टिकटॉकर को, मैं एक बात नहीं कर रही किसी के हाँ बारे में, बात नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई बैठे तो वो नहीं कर सकता, एग्जैक्टली, ठीक है। जो ये जिसकी पहचान है। कॉन्फिडेंट, और हाँ ये इस कैमरे पे बात करना और एक मोबाइल के कैमरे पे बात करना बहुत अलग चीज़ें हैं,
और उसमें काफी फर्क है। ओके, क्या फर्क है बताओ, थोड़ा सा नाज़रीन को भी बताओ। टिकटॉक एक टिकटॉकर अपने आप को समझता है मैं सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन तुम्हारा उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी रिस्पेक्ट है, वो है ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है। जो हमारे मीडिया का है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है, क्योंकि मैं खुद भी एक्टर, एक नेचुरल एक्टर एक्टर होता है और एक बनाया हुआ एक्टर वो बनाया हुआ एक्टर होता है, क्योंकि उस पे सिर्फ सॉन्ग्स पे कर रहे होते हैं, लिप सिंग कर रहे होते हैं। हाँ, जो ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो अपना कंटेंट बनाते हैं, अपनी आवाज में बनाते हैं, फनी कंटेंट बनाते हैं, वो मुझे खुद भी पर्सनली भी पसंद है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो टैलेंट नहीं आ जाता ना जो आप स्क्रीन पे कर रहे होते हैं। स्क्रीन पे काम करने, फोन पे काम करने इज वेरी डिफरेंट। बात तो तब है जब आप कैमरा फेस करें, कैमरे के सामने बैठ के बात करें, ठीक है, तो एक आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, आपको पता है कि उसको आप उसके मुताबिक आपने उस कैरेक्टर में आपको बैठना पड़ता है, उसकी तरह पूरा आपको अंदर से नेचुरल आपको एक्टिंग निकालनी पड़ती है। चंद सेकंड्स होते हैं या चंद मिनट्स होते हैं जिसमें आपने अब आपको आए हो सेट पे, आपको स्क्रिप्ट मिली है, आपने पढ़ना है कि ये मेरा करेक्टर है, आपको कुछ टाइम पहले भी कभी मिल जाती है, कभी आपको सेट पे मिलती है। एग्जैक्टली ऐसे, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी कैसी है, आपको याद भी होता है आप भूल जाते हो, आप रट्टा मारते हो, तुम्हारे साथ क्या सीन हुआ, रट्टा मारती हो तुम नहीं नहीं ऐसा सीन नहीं है, मुझे याद करने में इतना इशू नहीं होता, मैं याद रहता है, मैं स्ट्रांग है, लेकिन बहुत से एक्टर्स जो है वो सीन के दौरान भूल जाते हैं, लाइंस भी भूल जाते हैं, बट यू विल कवर, अगर आप एक्टर हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक लिप सिंग कर रहे हैं और एक स्क्रीन पे काम कर रहे हैं इज वेरी डिफरेंट, उसमें काफी डिफरेंट, बट ये है कि आप अपने आप को जजमेंट कर सकते हैं वीडियोस बना के कि आप कितने बड़े एक्टर हैं, वो तो मैं खुद भी बनाती हूं और कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये किन जानो सबा मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, सॉरी तुम्हारी बात काट रही हूँ, कि वो टिकटॉक बना के समझते हैं हम एक्टर बन गए, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे आप एक्टर नहीं बनते जब तक आप फील से आप एक करेक्टर को करते नहीं हो, ठीक है, जो आपको दिया जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक एक्टर कैसे वो एक्टर बनता है ये बताओ मुझे। एक एक्टर तब तक एक्टर नहीं बन सकता जब तक उसको वो करेक्टर दिया जाए, उसको वो खुद पे तारी ना करे, खुद वो ना बन जाए, करेक्टर छोड़ दो, एक्टर क्यों बनता है वो, अपने किस काम से वो एक्टर बनता है, क्या प्रूफ करता है कि मैं एक्टर हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, नेचुरल, एग्जैक्टली, आपकी नेचुरल, अगर आप एक आपको मैंने करेक्टर दे दिया कि आपने सीन में रोना है जी, तो उसमें आप क्या करेंगी, रोएंगे, नेचुरल आपको रोना है, फील आना चाहिए, ऐसा ही है, मैंने अभी बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली ऑडिशन दिया है एक फिल्म का ही, तो उसपे मतलब मैं जब गई थी तो मेरा कोई माइंड नहीं था कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी, मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने जाहिर है ऑडिशन के लिए जब मैं गई हूँ तो करना तो था, लेकिन जब मुझे उसकी स्क्रिप्ट दी और मैंने किया तो मैं वाकई में रोने लग गई थी उसमें। अच्छा, सच वाली फीलिंग, सच वाली फीलिंग आ जाती है, वो एक अंदर का जो एक्टर होता है ना वो नेचुरल फीलिंग पे पहुंच गया और काफी अच्छा था, लेकिन मैंने किया नहीं वो, तो अच्छा रिजेक्ट कर दिया, हाँ रिजेक्ट कर दिया था। ओके ओके, घर से और भी कोई फील्ड में आना चाहता है या सिर्फ तुम ही हो? नहीं अभी तो कोई नहीं है, मुझे ही इस चीज का था शौक। कितने भाई बहन हो तुम लोग? मैं हूँ एक और मेरा छोटा भाई है। बहन नहीं है, सिस्टर नहीं है? नहीं कोई, तो वो तो फिर आना बनता ही नहीं है टोटली। अम्मी सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत ख्याल भी करती हैं। मतलब तुम्हें शुरू से घर में, घर से कोई इश्यूज क्रिएट नहीं हुए? नहीं कोई इशू भी नहीं हुआ, बल्कि मम्मा जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम वो खुद मेरे साथ आई थी ऑडिशन के लिए, शुरू में आती नहीं है, अब तो थोड़ा समझ आ गया है यहाँ का माहौल, हर चीज को कैसे मैनेज करना है, लेकिन 24 घंटे मम्मा फिर भी साथ ही होती हैं, उनकी दुआएं भी, खुद भी, वीडियो कॉल का आजकल जमाना है तो फौरन करके चेक करती हैं। मेरी अम्मी बड़ा मुझे सिखा रही होती हैं कि ये सवालात करना, ये चीजें करो, ये वेयर करो, समझो पूरा जो सिस्टम है ना वो सिस्टम सपोर्ट मेरी अम्मा है वो भी, बिल्कुल, और एक माँ ही होती है जो आपको सपोर्ट कर रही होती है बैक पे, कुछ घराने में बहने भी होती है, कर रही होती है, लेकिन आजकल के दौर पर मुझे लगता है बहने भी नहीं करती है। I have no idea. Okay, okay, मुझे भी नहीं, मेरी भी कोई सिस्टर नहीं है, only one, okay. तो फील्ड के अंदर कितने अच्छे दोस्त बने, कितने बुरे दोस्त बने? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं वैसे भी दोस्त ना बहुत कम बनाती हूँ। अच्छा, फ्रेंड सर्कल कम है? मेरी एक ही फ्रेंड है फील्ड में, जो मेरा शूट स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, तो उससे अगले दिन एक शो था जहाँ पे मैं उनसे मिली थी, तो अभी तक वही है, उनसे दोस्ती है। हाँ, उनसे दोस्ती है, वही है एक।
ओके, इसके अलावा को बस एक दोस्त होता है, नॉर्मल हेलो हाय होती है, हाँ, एक आपका बेस्ट फ्रेंड बेस्ट होता है, फ्रेंड बड़ी होते होता हैं है, मेरे वो लिए, अलग तो चीज वो एक होती है। अलग आई चीज कैन होती है। अंडरस्टैंड। कितने धोखे मिले अब तक फील्ड के अंदर जिसने काम बोल कर नहीं दिया हो, ऐसे भी ऐसा पुलोल होता है, ऐसा तो होता ही है, ये तो नॉर्मल है, आपको पता है आजकल कहते कुछ हैं और लोग करते कुछ हैं, हकीकत कुछ एग्जैक्टली। होती है, लेकिन आप इससे हमें डिसार्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट अपना रखना चाहिए, अपने यकीन रखना चाहिए अल्लाह पे, जब तक आपको खुद पे यकीन, अल्लाह पे यकीन, आप आगे जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक एग्जैक्टली, सकता। बिल्कुल। बाकी क्या बोलते हैं, दो फेसेस के लोग भी बहुत है फील्ड के अंदर, यू ऐसा नो। ही है, टू फेसेस तो अच्छा, बहुत है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजिन, और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिटचैट विद निशा खान। मेरे साथ मौजूद है सबा नूर, एक्ट्रेस, मॉडल, और इनसे और भी कन्वर्सेशन अभी जानेंगे, इनके बारे में भी, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी। अच्छा सबा, तुमने जैसे बताया कि हाँ हम बात कर रहे थे फील्ड के हवाले से, तो दो फेसेस के लोग भी तुम्हें बहुत मिले होंगे। हाँ, यहाँ पे तो अभी इतना मुझे आपको मैंने बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मुझे लोग मिले हैं, बट मिले तो किस्मत कुछ तो समझ गलत लें, मिले नहीं मुझे होंगे। मॉडलिंग में देखा है मैंने, लेकिन अभी जितना मैंने काम किया है, कुछ कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू किया है, कुछ खुद भी जैसे मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए हैं, तो ओके, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सेटिस्फाई हुई हो हाँ तुम? मुझे ऐसा कोई भी नहीं नहीं मिला, मिला, कोई अल्लाह खराब नहीं का हुई? शुक्र है, कहते हैं ना अभी बट किस्मत भी यू आर होती है। लक, हाँ, तुम क्या कहती हो, लक का इससे कोई कॉन्सेप्ट है काफ़ी फील्ड के ज़्यादा अंदर? है मेरे ख्याल में काफी तो। ज्यादा ना, जी बिल्कुल क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी का लक भी नहीं होता जल्दी कामयाबी और फेम पा बिल्कुल, लेना। तुम इस फील्ड में क्यों आई हो, फेम के लिए आई हो, पैसे के लिए आई हो, किस लिए आई हो? देखिए ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हर कोई चाहता है, ठीक है आजकल तो वैसे ही बहुत है, हर बंदा ही चाह रहा है और कि मैं एक आपके सामने सेलिब्रिटी ये बन जाऊं और एक टिकटॉक, अमीर आदमी या बंदी बन फेम तो जाऊं। आपको टिकटॉक से भी मिल जाता है ना, हाँ, ठीक है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि शौक जो आपका, मेरा जो शौक है एक्टिंग का, तुम्हारा मैं ड्रीम है कि मैं ड्रीम है, एक्ट्रेस बनूं? हाँ एक्ट्रेस बनूँ, तो इसमें इसमें आती यही चीज़ें हैं, ठीक है, इज्जत, शोहरत, पैसे, ये सब कुछ, ठीक कुछ है, कुछ तो होगा दिमाग में, माइंडसेट तो बना हाँ, के तो आई कोई होगी, आपकी पहचान हो, अपनी पहचान हो, अपनी लोग पहचान जाने, बनाने आई लोग हो, लोग जाने, जाने। पैसा तो फिर नाम बन पैसा, जाता तो पैसा बिल्कुल चल के आता है। बिल्कुल ऐसा ही है ऐसा ही है। जी। ओके, टिकटॉक यूज करती हो तुम बेसिकली? हाँ मैं यूज़ करती हूँ, मैंने आपको बताया, मैं खुद भी टिकटॉक यूज़ से कुछ करती हूँ, बेनिफिट मिलता है तुम्हें फील्ड के हवाले से? नहीं क्योंकि मैं इस तरह की, ज़्यादातर जो लोग हैं जो आजकल मतलब ज़्यादा फेमस हुए हैं, तो उनके कंटेंट हैं, मैं अच्छा। डाल दूँ शूट पे हूँ, या कभी इस तरह से हो, मिल जाए टाइम तो मैं बना लेती हूँ टिकटॉक भी, मतलब वरना कोई खास आजकल तो टाइम सभी, आपको एकदम पता है, सब आर्टिस्ट भी, एक्टर्स भी, सब लोग यूज़ कर रहे हैं टिकटॉक भी, यूट्यूब भी, सबके चैनल्स हैं, और ये सब कुछ तो आजकल ऑन है। कॉमन है, आई नो। हाँ अच्छा सबा, तुम क्या समझती हो कि जब से टिकटॉक ऐप आई है तो काफी आर्टिस्टों के काम बंद हो गए, तो ये इसके बारे में कुछ कहना चाहोगी कि टिकटॉक से अफेक्ट पड़ा है नहीं, काम मेरे पे, ख्याल में नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी तुम्हारे नहीं इस, पड़ा? नहीं क्योंकि इससे ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि टिकटॉक और हमारे मीडिया में बहुत फ़र्क है, ठीक है, हमारे अपने आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने भी खुद भी ये बात बोली है कि टिकटॉक में और मीडिया में बहुत फ़र्क है, टिकटॉक के से आप लेकिन अभी सेलिब्रिटी बन फील्ड के, सकते हो हाँ लेकिन आप लेकिन एक्टर अब नहीं बन ये सकते। बात तुम्हारी ठीक है, बट अब एक सेलिब्रिटी को काट के अब फील्ड के अंदर कास्टिंग में भी यही हो रहा है टोटली, कि वो अप्रोच कर रहे हैं टिकटॉकर्स को जिनके इंस्टाग्राम पे फैन फॉलोइंग फैन है, फॉलोइंग है ताकि ऐसा। भाई आप, एक कॉमन बात है ना, आपकी इंस्टा पे 10,000 हैं, अगर जहाँ 4 लाख हैं तो वो बोल रहे हैं हम 4 लाख वाली को कास्ट करेंगे ना कि बिल्कुल 10,000 वाली को, बिल्कुल ऐसा है जी ना? जी जी अभी जो बात नेचुरल है और जो चीज़ें नहीं ट्रेंड पे हैं पता वो है बता रही ये हूँ मैं चीज़ें तो तुम्हें। आप देखें, अब एक एक्टर हैं माशाल्लाह हाँ से, अब किसी भी एक्टर का नाम ले लें, आप किसी को भी देख लें, सबके हाँ माशाल्लाह फॉलोअर्स हैं, वो ठीक है, कुछ के हैं, बट जो न्यू लोग न्यू आने लोग वाले हैं, अब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आपको अपने भी भी हैं, अभी, मेरे अपने हाँ पेज पे लाखों के हिसाब से, टिकटॉक पे लाखों के हिसाब से हैं, और मुझे इस चीज़, इसीलिए मैं खुद अपना बोल रही हूँ, मैं अपना इसलिए बोल रही हूँ, मुझे मेरे फॉलोअर्स से इससे बहुत प्यार है, फैंस हैं, ठीक है, ये अच्छा, चीज़ें होती हैं क्योंकि एज एन एक्टर ये आपको बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही यही है। चीज़ें होती हैं, ओके, लेकिन मेरा यही मानना है कि टिकटॉक में और हमारे टीवी मीडिया में बहुत ज़्यादा फर्क है, ओके, ठीक है, गॉट ये हर इट, किसी के बस का काम नहीं है। ओके, सही। तो जेलिस फैक्टर भी बहुत है फील्ड के अंदर, बिल्कुल है, ऐसा है? एग्जैक्टली ऐसा है, और बहुत से लोग ऐसे मिले भी हैं, और
मैं एक शॉप पे आपको बताती हूँ, मैं गई थी तो मैंने एक वेयर किया था ड्रेस और डिजाइनर का ही ज्वेलरी थी पूरा, आपको पता है सेट होता है सब कुछ होता है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, जो आपको डिजाइनर देगा वही पहनते हो। तो एक लेडी मॉडल थी लड़की, उन्होंने बोला कि मुझे आपका ये चाहिए ना, मैंने नथ पहनी हुई थी जो, तो मैं उसकी तरफ हैरानी से देखा कि मतलब आप ये क्या बोल रही है, ये कहता है कहते ही निकालो। अच्छा ऐसे खुला लिटरली उसने मुझे बोला कि यार ये मुझे दो। फिर तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा ये क्या बोल रही है। तुम शूट पे थी वहाँ? शूट पे थी। अच्छा ओके जी। मेरी मेकअप आर्टिस्ट अलग थी, उनकी मेकअप आर्टिस्ट अलग थी, तो अच्छा उन्होंने बोला कि मुझे दो मैं वेयर करूंगी। हाँ, मुझे ये इतना जैलिस फैक्टर। हाँ, मुझे ये भी पता नहीं वो जैलिस थी क्या था आई डोंट नो, लेकिन ये चीज मेरे माइंड में थी कि ऐसा भी होता है। और उसके बाद जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट उन्होंने बोला नहीं ये इसका है, इनका पूरा इनका सेट है, आपको ये नहीं, मैं आपको और दे देती हूँ। तो फिर उन्होंने उसको और दे दिया, एक्सचेंज कर दिया। अच्छा तुम्हारा ये बैड एक्सपीरियंस रहा? बैड एक्सपीरियंस रहा। और इसके अलावा भी और भी बहुत होंगे फील्ड के अंदर, तो तुम्हें पता है। अच्छा कटाने वाले लोग भी बहुत मिले होंगे अब तक? जी आई एम राइट। कैसे कटवाते हैं ये तो मुझे नहीं अभी तक ऐसा हुआ, क्योंकि मेरा जिससे जैसे एक आपको सिलेक्शन होती है आपकी, आपको टाइम देते हैं डेट देते हैं, मेरा तो इस तरह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम है, अभी तक तो नहीं हुआ, शुक्र है अल्लाह का, आगे भी ना हो उम्मीद है। ओके तो इन फ्यूचर शादी करनी है फिलहाल या नहीं, या काम पे फोकस है फ्यूचर में? इन आगे फ्यूचर में तो जाहिर ही बात है होगी, लेकिन अभी कोई नहीं। अभी फिलहाल शादी नहीं करनी। कभी किसी से मोहब्बत हुई जिंदगी में? नहीं नहीं अभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। पास्ट में भी नहीं, राइट नाउ भी नहीं, फील्ड के अंदर भी कभी नहीं, किसी नहीं। से नहीं कोई अट्रैक्शन, कोई फ्रेंड ऐसा? अट्रैक्शन ये कह सकते हैं कि अट्रैक्शन है, एक आर्टिस्ट है जो यहाँ के नहीं है, तुर्की के हैं। वो तो चलो तुम्हारा वो क्रश हो गया ना। क्रश है बस ये चीज़। यही पूछने वाली थी कि कोई क्रश तो तुमने बता ही दिया कि तुर्की के हैं जी। तो कभी कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिंदगी में जिससे दिल लगाया हो? इतना टाइम ही नहीं है दिल लगाने के लिए। दिल लगाने के लिए अभी सारा जमाना पड़ा है, पहले काम पे फोकस करते हैं। क्योंकि फिर आप एक चीज कर सकते हो ना, एक टाइम पे एक चीज कर सकते हो, तो फिर आपको टाइम देना पड़ता है। फिर अब अगर आप इससे दिल लगा दो तो फिर आपका रिलेशन होता है, शादी होती है, फिर ये चीजें जरूरी होती है, फिर आप उस पे फोकस कर पाते हैं। कितना स्ट्रगल करना पड़ा वैसे, क्या क्या चीजें मुश्किल में आई, क्या क्या चीजों को फेसेस किया, कितनी मुश्किल हुई यहाँ तक पहुँचने में अब तक? एक्टिंग में तो अभी जितना है अभी तो स्ट्रगल ही है, अभी तो करती रहोगे, अभी तो पापड़ मिलने तुमने। हाँ, अभी तो ये स्टार्ट है, इंशाल्लाह ये अच्छा होगा, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। मुझे ये नहीं है कि अच्छा उम्मीद नहीं तो होगा तो दुनिया का है, नहीं होता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा ये नहीं है कि हाय नहीं मुझे करना है, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्रेज नहीं है? हाँ, इतनी कोई पागलपंती नहीं है, ठीक है। और ये मतलब होते ना कि आप डिसहार्ट हो जाते हो आजकल जिस तरह का माहौल है, लोग कुछ नहीं मिलता तो मरने पे आ जाते हैं, सुसाइड करने लग जाते। कौन से लोग हैं ऐसे? मैंने बहुत से देखे हैं, मॉडल्स देखी हैं ऐसा कि आजकल क्या मतलब I don't understand means के मतलब कि आप कोई भी चीज ले लो आपको कोई चीज नहीं मिलती है, आपका कोई बहुत ज्यादा आप एक चीज पे तो जो नसीब में नहीं है उसको कैसे छीन लोगे? हाँ, तो नसीब कुछ चीज को सीरियस ले लेते हैं ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं काम नहीं मिलता, आपको पता ही होगा कि लोग यही सोचते ना काम नहीं मिल रहा हम बैठे हैं तो वो डिप्रेशन में चल जाते हैं। कोई कुछ एक्टर भी ऐसे हैं जो हमारे सीनियर्स एक्टर हैं जो नहीं आ रहे स्क्रीन पे। अच्छा इसी वजह से होता है, होता है यार, हर इंसान की जिंदगी में अप एंड डाउन लगा हुआ रहता है। बाकी इन फ्यूचर अभी क्या प्लान्स हैं कि ड्रामे फिल्में करना है, मॉडलिंग करनी है, क्या बिल्कुल ड्रामा में करना है और फिल्म में कोई ऑफर आएगी अच्छा मुझे समझ आएगी तो मैं करूँगी, और बात भी चल रही है इस तरह से, और जी इंशाल्लाह। चलो कितना मैसेज ले लेती हूँ। क्या मैसेज? न्यू टैलेंट को देंगे? हाँ। अच्छा सबा मैं मैसेज लूंगी तुम्हारा, बेसिकली जो न्यू आने वाले लोग हैं, अभी तो तुम भी न्यू ही हो बेसिकली, इतना टाइम तो तुम्हें हुआ नहीं, तो जो आने वाले लोग हैं जिनको बनने का शौक है एक्टर मॉडल, तो उनके लिए मैसेज दो। बिकॉज ऑफ हर बंदा आजकल सोचता है मैं एक एक्टर बन जाऊं, मैं एक मॉडल बन जाऊं, मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक प्लेटफॉर्म फॉरन पा ले। जिंदगी में बड़े आपको स्ट्रगल करने पड़ते हैं, बड़े बहुत सारी चीजें फेसेस करते हैं तो आप एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो मैं ऐसे मुंह उठा कर आके नहीं बैठ गई, मैंने जिंदगी में बड़ी मुश्किलात
की को फेस किया है, सपोर्ट मिला है मुझे बहुत घर वालों का, बहुत सारी चीजें हुई हैं तब मैं इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, तो उनके लिए मैसेज दो जो न्यू आना चाहते हैं। बिल्कुल, मेरा यही मैसेज है, सबसे पहले तो आप अगर आपको घर से सपोर्ट है पहले तो आप तब इस फील्ड में आए, किसी भी जगह पर आपको जब सपोर्ट हो आपके घर से, ठीक है, अगर आप न्यू हो आपको पता नहीं है किसी चीज़ का, तो जब तक आपके फैमिली आपके साथ होगी ना तो आप बहुत सी चीज़ें अचीव कर जाते हो, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी करते तो मेरा यही मैसेज है कि आपको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में कुछ बेहतर लिखा होगा तो उस पर बिलीव करके चलें, और अगर आप वाकई कुछ बनना चाहते हो तो खुद पे बिलीव रखो, अल्लाह पे बिलीव रखो, आप आगे जा सकते हो। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सबा फॉर कमिंग माई शो और बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थी सबा नूर, मॉडल एंड एक्ट्रेस। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए शो के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।